हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और एक नई वीडियो सीरीज आपके लिए। इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे क्लास 8 की चैप्टर फोर्थ और हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। फिलहाल हमने क्वाड्रिलेटर का जो कंसेप्ट है उसके फैमिली मेंबर्स और सारी की प्रॉपर्टीज आपको पहले डिस्कस किया हुआ है। अगर आप चाहो तो प्रॉपर्टीज देख सकते हो, पहले प्रॉपर्टीज देखकर ही आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वाड्रिलेटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। क्वाड्रिलेटर चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, चार वर्टेक्स होते हैं, चार एंगल होते हैं और उनके सारे एंगल का सम 360 होता है। साथ साथ में डायगोनल्स के बारे में भी काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं। तो आप पहले आप जो वीडियो सीरीज है हमारी क्वाड्रिलेटर की, जो प्रॉपर्टीज हैं उनके फैमिली मेंबर के बारे में डिस्कस कर लीजिए। टोटल 6 फैमिली मेंबर्स हैं, पैरेललोग्राम, रॉम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, देन काइट एंड फाइनल ट्रेपेजियम। तो आशा करता हूँ कि आपने उन सारे के बारे में डिस्कशन कर लिया है, सोच लिया है, समझ लिया है, उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे कंस्ट्रक्शन और मैं आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और स्टेप्स आपको मैं नहीं बताऊंगा इसके अंदर कैसे लिखना है, स्टेप्स आप अपने स्कूल की नोटबुक से आप रिफर कर सकते हो या फिर आप NCERT सॉल्यूशन से भी आप स्टेप्स रिफर कर सकते हो। स्टेप्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो लिखवाया है वही आपको लर्न करना है, स्टेप्स आप जो ड्रॉ करते जा रहे हो वो आपको साइड में लिखते जाना है अपने वर्ड्स में, तो स्टेप्स बन के रेडी हो जाएंगे, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। मेरे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक कंपास बॉक्स है, राइट। और कंपास बॉक्स का मैं ऐड नहीं दे रहा हूँ आपको, आप चाहो तो कोई सा भी कंपास ले सकते हो। फिलहाल मेरे पास ये कंपास क्लास 10th से है, मैंने इसको काफ़ी संभाल के रखा हुआ है क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कभी कभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, बट मैंने इसको काफ़ी केयर किया हुआ है तो अभी भी ये बिल्कुल नया ही है। तो ये रहा मेरा कंपास, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये आपको स्केल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैं स्केल रख लेता हूँ। देन प्रोटेक्टर जिसको मैं चंदा मामा बोलता हूँ उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। देन ये रहा कंपास, कंपास की भी ज़रूरत पड़ेगी और साथ साथ में एक्चुअली कंस्ट्रक्शन तो आपको पेंसिल से ही करना है, मेरे पास पेंसिल भी है, पुश पेंसिल है, उसकी लीड्स भी हैं, बट मैं पेंसिल से आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाऊंगा तो आपको आर्क नहीं दिखेंगे, राइट। तो इंस्टेड ऑफ पेंसिल मैं यहाँ पे एक पेन का यूज़ करूँगा, कंपास को साइड में रख लेते हैं, मैं यहाँ पे पेन का यूज़ करूँगा क्योंकि पेंसिल से आर्क आपको क्लियरली दिखेंगे नहीं। तो देखिए आप पॉइंट को पहले एक एडजस्ट कर लीजिए, देख सकते हो ये दोनों एक सेगमेंट एक लेवल में आ चुके हैं। तो ये रहा आपका कंपास रेडी है, साथ में मैं पेन का भी यूज़ करूँगा, बट आपको एग्ज़ाम में याद रखना है, एग्ज़ाम में आप पेंसिल का ही यूज़ करोगे कंस्ट्रक्शन करने में। तो हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट रेडी हो चुके हैं, अभी हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन करना। मेरे पास मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पुश पेंसिल का यूज़ करूँगा, जहाँ से हमें एक रफ स्केच मिलेगा और उसी रफ स्केच को हम आगे फॉलो करते रहेंगे। तो ये रही मेरी पुश पेंसिल, पुश पेंसिल का मैं यूज़ करूँगा रफ स्केच बनाने में। ओके फाइन, पॉइंट आ चुका है। तो क्वेश्चन को समझते हैं, पहले हमारे पास क्वेश्चन है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर ABCD। तो पहले क्वाड्रिलेटर ABCD बना लेते हैं, ABCD, राइट। AB = 4.5, ये है आपका 4.5
BC इज इक्वल टू 5.5, ये है आपका 5.5। CD इज इक्वल टू 4, ये 4 हो गया। AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। एंड AC इज इक्वल टू 7। AC कौन सा? ये वाला AC, ये 7 का है। रफ स्केच, रफ स्केच रेडी हो चुका है। अभी हम क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, रफ स्केच को देखकर ही ड्रॉ करेंगे हमारा कंस्ट्रक्शन। तो लीड पेंसिल कहाँ गई? लीड पेंसिल का मैं यूज कर लेता हूँ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए। वीडियो काफी लंबी होगी बट मैं हर चीज को आपको डिस्कस करूंगा इसमें। सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे 4.5 का। तो यहां पे मैंने 4.5 का बेस ड्रॉ कर लिया है। ये 4.5 का बेस ड्रॉ कर लिया है जिसका नाम होगा AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, राइट। अब आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखने हैं तो आप लिख सकते हो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। रफ स्केच कहाँ गया? 4.5 ड्रॉ कर लिया है। अभी हमें BC इज इक्वल टू 5.5 ड्रॉ करना है, ठीक है। ये पॉइंट फिक्स नहीं है तो हम आर्क लगाएंगे BC इज इक्वल टू 5.5 का, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 5.5 का मेजरमेंट ले लेते हैं स्केल से। 5.5 का मेजरमेंट ले लिया मैंने, स्केल से मेजरमेंट ले लिया 5.5 का। आप देख सकते हो कैसे लिया मैंने, ये रहा मेजरमेंट 5.5 का, राइट। और ये 5.5 आपको बी से लेना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग सेंटर एज अ बी एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप होगा कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स का। टेकिंग एज अ सेंटर बी, बी को सेंटर मानते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर, राइट। तो हमने 5.5 सेंटीमीटर का आर्क भी ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली अभी हम AD ड्रॉ करेंगे जो हमारा कितना था, AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली पॉइंट डी हमारे पास नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, ए को सेंटर मान के हम 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तो 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट, ये रहा हमारा 6 सेंटीमीटर। यहां से मेजरमेंट ले लिया, टेकिंग ए एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, ये आर्क हो गया 6 सेंटीमीटर का, राइट। एंड अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से देखो, पॉइंट ए से डी का आर्क लगा दिया, पॉइंट बी से सी का आर्क लगा दिया। अब पॉइंट ए से हम क्या करेंगे, सी का आर्क लगाएंगे। देखो डायगोनल आपको दिख रहा है 7 सेंटीमीटर का। अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए 7 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे जिससे हमें पॉइंट सी मिलेगा, राइट। तो वापस हम 7 सेंटीमीटर का आर्क सेगमेंट का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये आ गया 7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट, ओके फाइन। अभी हम क्या करेंगे, ये जो आर्क दिख रहा है उसके ऊपर हम 7 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। नाउ टेक ए एज अ सेंटर एंड ड्रॉ आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर ऑन अ आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। यहां पे आपको एक पॉइंट मिल चुका है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट सी, राइट। और पॉइंट सी से पॉइंट डी का डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर का है। तो मैं पॉइंट सी को सेंटर मानकर यहां पे मैं 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगा। तो फिर वापस 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट,
फाइन, पॉइंट सी को सेंटर मानते हुए टेकिंग सेंटर सी, टेकिंग सेंटर एज अ पॉइंट सी एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। देखो आपको एक और पॉइंट मिल चुका है, इस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट डी। अब हमारे पास पॉइंट ए बी सी डी सब आ चुके हैं, अभी हम क्या करेंगे, हम इनको ज्वाइन करेंगे। तो मैं इसको पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूं ताकि थोड़ा क्लियर दिखाई दे। ओके फाइन, ये मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से मेरा क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी रेडी हो चुका है। तो आप इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। स्टेप्स आपको जैसे आप जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो प्लेन पेपर के ऊपर, आप जो कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, जहां पर भी आप आर्क लगा रहे हो, वो सारे आर्क का स्टेप बाय स्टेप आपको एक यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में लिखना रहेगा अपने वर्ड्स में। ऐसा कुछ नहीं है कि आप डाइजेस्ट या बुक के जो पॉइंट्स हैं आप उनको लर्न करके मगअप करके एग्जाम में लिख दो। आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके मार्क्स तो मिल जाएंगे बट आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या किया। तो आपको मैं बताऊंगा कि आप जो कर रहे हो वही आप स्टेप लिखो अपने वर्ड्स में, तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए भी और आप कुछ नई चीज़ें भी सीख पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम कंस्ट्रक्शन के सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो सीरीज में कवर करवाएंगे, ये हमारी प्रॉमिस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।